हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टर गुल वाईटी। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग? आई होप बहुत ही ज्यादा मस्त होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मूवमेंट ट्रिक के बारे में। हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप सब फ्री फायर के अंदर अपना मूवमेंट स्पीड कैसे इंक्रीज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप सब ने देखा ही होगा कि राइस्टार भाई और अदर लेजेंड्स प्लेयर की मूवमेंट स्पीड कितना फास्ट होता है। उनका मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट होता है जैसे कि किसी इंसान को पोटी का प्रेशर होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ जानेंगे कि आप सब लोग भी इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट कैसे कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात करेंगे हमारी फर्स्ट टिप की। फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला टिप्स है कैरेक्टर स्किल। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक आपका कैरेक्टर स्किल बेस्ट नहीं होगा आपका मूवमेंट भी बेस्ट नहीं हो पाएगा। दोस्तों, लेजेंड प्लेयर हमेशा अपने कैरेक्टर स्किल को बेस्ट रखते हैं और तभी इतना ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको अपना कैरेक्टर स्किल एकदम बेस्ट रखना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि आपको अपना कैरेक्टर स्किल क्या रखना है ताकि आप सभी का मूवमेंट बहुत ही अच्छा हो पाए। फ्रेंड्स, एक कैरेक्टर के अंदर चार स्किल्स होती हैं जिनमें से एक स्किल फिक्स होती है। ये उस कैरेक्टर की स्किल होती है जिस कैरेक्टर को आप यूज़ करते हो एज ए कैरेक्टर प्लेइंग के लिए। तो फ्रेंड, उसके साथ आपको तीन अदर कैरेक्टर स्किल जोड़नी होती है। जैसे कि दोस्तों, आलोक का अपना एक कैरेक्टर स्किल होता है एंड साथ में थ्री अदर कैरेक्टर स्किल्स आप आलोक के साथ बाइंड कर सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप एकदम लेजेंड वाला मूवमेंट स्पीड चाहते हो तो आपको अपने कैरेक्टर स्किल में थ्री मेन कैरेक्टर तो हमेशा रखने ही रखने होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो तीन कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है दोस्तों हमारा आलोक, दूसरा कैरेक्टर दोस्तों कैली एंड थर्ड वन जो हमारा कैरेक्टर है दोस्तों उसके अंदर आपको जोसेफ को यूज़ करना है जिसे लोग बूढ़ा भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तीन कैरेक्टर स्किल आपको अपने कैरेक्टर के अंदर रखने ही रखनी है। एंड फ्रेंड्स, अगर बात करूँ फोर्थ स्लॉट की तो दोस्तों उस स्लॉट के अंदर आपको अपना फेवरेट कैरेक्टर यूज़ कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं रिकमेंड करूँ तो आपको फोर्थ स्लॉट के अंदर मोको का यूज़ करना है। क्योंकि फ्रेंड, इससे बंदे का पता लग जाता है एंड आप उसकी लोकेशन को ट्रैक करके आसानी से उसको किल कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, वीडियो को आगे ले जाने से पहले मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो पे हमने 200 लाइक्स का एम रखा हुआ है, तो फ्रेंड जल्दी से 200 लाइक का एम इस वीडियो पर पूरा करा दीजिए। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, सेकंड टिप्स ये है कि आपको अपने मूवमेंट इंक्रीज करने के लिए अपने मोबाइल का सेंसिटिविटी इंक्रीज करना होगा। फ्रेंड्स, मैं मोबाइल की सेंसिटिविटी सेटिंग की बात कर रहा हूँ, ना कि गेम की सेंसिटिविटी सेटिंग की। फ्रेंड, अगर आप सब अपने मूवमेंट लेजेंड प्लेयर की तरह करना चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल का सेंसिटिविटी इंक्रीज करना होगा। फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल का सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हो अपने मोबाइल के डीपीआई को चेंज करके। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल का सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल का डीपीआई चेंज करना होगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आप ये नहीं जानते कि डीपीआई सेटिंग क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है एंड उसको कैसे इनेबल किया जाता है, तो फ्रेंड उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है एंड उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियो वहाँ से जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हमारी लास्ट टिप्स की। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे लास्ट टिप्स है हमारे गेम का सेंसिटिविटी सेटिंग। फ्रेंड्स, गेम का सेंसिटिविटी सेटिंग डीपीआई सेटिंग से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, गेम का सेंसिटिविटी सेटिंग आपके बंदे की मूवमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड साथ में हेडशॉट मारने के लिए भी, तभी आप सब प्रो प्लेयर की तरह मूवमेंट इंक्रीज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, साथ में अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करना है तो आपको फोर फिंगर या फिर थ्री फिंगर के साथ खेलना स्टार्ट करना होगा, इससे आपका मूवमेंट और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है एंड बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। एंड फ्रेंड, इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। फ्रेंड्स, मुझे आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आपका चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इस महीने के अंदर मैंने टारगेट रखा है 100K फैमिली का। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा 100K फैमिली कंप्लीट हो जाता है तो फ्रेंड्स बहुत ही खुशी की बात है। एंड फ्रेंड्स, ये आप सभी के सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए। एंड फ्रेंड्स, मैं भी अपनी तरफ से आप सभी के लिए बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए।